अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में उराल और चोलपान गवर्नर के किले में शाम का खाना खा रहे थे। गवर्नर चोलपान को कहता है, तुम्हारे बाबा सिर्फ मेरे रिश्तेदार नहीं थे बल्कि वो मेरे करीबी दोस्त भी थे। इन्होंने वेसुलियस को परवान चढ़ाकर एक अजीम कमांडर बनाया। फिर वेसुलियस कहता है, जब बागियों ने आपके बाबा को कत्ल किया था तो हमें बहुत धचका लगा था। गवर्नर कहता है, मुझे पता लगा है कि उनके कातिलों को सजा मिल चुकी है। फिर गवर्नर उराल को कहता है, तो फिर आप हानली बाजार के बारे में क्या बात करना चाहते थे? उराल कहता है, आप ये जान ले कि मैं हानली बाजार अर्तुरुल से छीन लूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकेगा, लेकिन मैं ये काम सुकून से करना चाहता हूँ। वेसुलियस कहता है, तो इसमें हमारा क्या फायदा है? बाजार का आधा मुनाफा आपका होगा। ये सुनकर गवर्नर और वेसुलियस दोनों खुश हो जाते हैं। इतने में गवर्नर का हिसाब किताब रखने वाला आदमी वहाँ आता है और कहता है, जनाब जैसा आपने कहा था मैं लेन देन वाला रजिस्टर ले आया हूँ। गवर्नर कहता है, जावदार कबीले को हमने कितने सिक्के अदा करने हैं? वो आदमी कहता है, 1300 सोने के सिक्के। गवर्नर कहता है, फौरन अदा कर दो, हम इनके साथ तजारत जारी रखेंगे। आदमी कहता है, ठीक है जनाब, मैंने हानली बाजार के ताजिरों से रकम वसूल कर ली थी, इनके साथ कारोबार हमारा काफी मुनाफा बख्श रहा। ये सुनकर वेसुलियस फौरन इसे पकड़ लेता है और उसका गला काट कर मेज पर फेंक देता है। फिर सिक्कों की बोटली उठाकर उराल के आगे रख देता है और कहता है, इस कमीने ने बाजार के साथ तजारत करके हमारे खिलाफ वर्जी की है, मैंने वही किया जो जरूरी था, मुझे उम्मीद है कि आप अपने अल्फाज पर कायम रहोगे उराल साहब। ये देखकर उराल और चोलपान हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वेसुलियस पेत्रोस को लेकर एक कमरे में जाता है, वहाँ उसका खास आदमी लस्कारिस मौजूद था। वेसुलियस कहता है, ये मेरा सबसे बहादुर जंगजू है। इस कमरे में तुर्कों की कुछ टोपियां और हथियार पड़े हुए थे। पेत्रोस पूछता है, ये किस लिए है जनाब? वेसुलियस कहता है, कल एक शाही काफला आने वाला है, तुम ये लिबास पहनोगे जब तुम इनको कत्ल करोगे। दूसरी तरफ उराल और चोलपान एक कमरे में जाते हैं। चोलपान उराल को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ उराल, हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं। ये सुनकर उराल बहुत खुश हो जाता है और इसका हाथ चूमता है। दूसरी तरफ काई कबीले के सिपाही हानली बाजार में खाना खाने में मसरूफ थे। बंसी कहता है, भाइयो आज मेरे पास एक और कहानी है आपको सुनाने के लिए। सामसा कहता है, चलो भाई सुनाओ। फिर बंसी खड़ा हो जाता है और फिर एक बहादुर तुर्क जंगजू की कहानी सुनाने लगता है। कहानी सुनकर सब सिपाही पुरजोश हो जाते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुरुल काराजेसर की तरफ जाने के लिए तैयार था। आदि को इसको एक रजिस्टर देकर कहता है, इसमें उनका सारा हिसाब किताब मौजूद है साहब। फिर अर्तुरुल अब्दुल रहमान को कहता है, घोड़े तैयार करो, हम निकलने वाले हैं। बाहर एक ताजिर सख्त गुस्से में कहता है, अर्तुरुल की वजह से हमारा कारोबार तबाह हो गया है, अब बहुत हो गया। ये सुनकर गुनकुत उसे पकड़ लेता है और कहता है, अपनी हद में रहो आदमी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अर्तुरुल साहब के बारे में ऐसा बोलने की? ताजिर कहता है, लेकिन ये सच है, अर्तुरुल साहब से पहले हालात बहुत ठीक थे। फिर दुमरुल गुस्से से इसका सामान गिराने लगता है और कहता है, अर्तुरुल साहब ने सिमोन के जुल्म का खात्मा किया है। ताजिर कहता है, तुम में और सिमोन में क्या फर्क है? तुम भी मेरा सामान बर्बाद कर रहे हो। ये सुनकर दुमरुल इसका गिरबान पकड़ लेता है। इतने में तुर्कुत वहाँ पहुँचता है और इसका हाथ पकड़कर उसे पीछे कर देता है और इसे कहता है, हम यहाँ इंसाफ कायम करने आए हैं, हमने ताजिरों से वादा किया हुआ है कि हम इनकी हिफाजत करेंगे और तुम लोग इस तरह अपने सरदार का वादा पूरा करोगे। ये सुनकर गुनगुत कहता है, आप सही कह रहे हो तुर्गुत, हमारी गलती है। तुर्गुत कहता है, अब इस ताजिर का नुकसान पूरा करो। ये देख कर ताजिर कहता है, तुर्गुत सिपाही मैंने बहुत से बाजारों में काम किया लेकिन इस तरह की बहादुरी नहीं देखी, मैंने गुस्से में अर्तुरुल साहब के बारे में गलत बोल दिया है, मुझे माफ कर दें। तुर्गुत कहता है, शुक्रिया। इसके बाद अर्तुल अपने 3 सिपाहियों के साथ कार जैसा रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में बानो जिजेक अंदर आकर बताती है कि जानदार साहब आए हैं और वो अर्तुरुल साहब से मिलना चाहते हैं। वो बहुत गुस्से में हैं। मैंने उनको बताया कि अर्तुरुल साहब यहाँ नहीं हैं। आयमा खातून कहती हैं, भेजो इनको। फिर जानदार अंदर दाखिल होता है। आयमा खातून उसे खुशामदीद कह कर बैठने को कहती है। बैठने के बाद आयमा खातून कहती है, जानदार साहब मैंने कई साल अपने कबीले की नुमाइंदगी की है, जो भी बात है आप मुझे बता सकते हैं। जानदार कहता है, कल बाजार में जो वाकया हुआ है उससे सूरत हाल बहुत खराब हो गई है। अर्तुरुल मेरे सबर का इम्तिहान ले रहा है और मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है।
आयमा खातून कहती है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है जानदार साहब, ये क्या कह रहे हैं। जानदार कहता है, अगर अर्तुरुल इस तरह करके दोनों कबीलों की लड़ाई चाहता है तो फिर आप तैयारी कर लें, मैंने भी एहतियाती तदाबीर कर ली हैं। आयमा खातून कहती हैं, आपको एहतियाती तदाबीर आपके खेमे में मौजूद गद्दार के खिलाफ लेनी चाहिए। जानदार कहता है, क्या आप भी अर्तुरुल साहब की तरह मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हैं। आयमा खातून कहती हैं, अर्तुरुल गद्दार की तलाश में और वो जल्द या देर से उसे ढूंढ लेगा। जानदार कहता है, तो फिर उसे गद्दार को कहीं और तलाश करना चाहिए। क्या आप वाकई समझती हैं कि वो उराल था जिसने कालीने जलाई और आपके सिपाहियों को शहीद किया था, और क्या फ्रांसिस्को को उसने उकसाया था ये जानते हुए कि उसकी बहन भी मर सकती है। आयमा खातून कहती हैं, जानदार साहब, मैं और अर्तुरुल साहब जानते हैं कि वो फितना अंदर मौजूद है, अर्तुरुल उसे तलाश करेगा और काट डालेगा। जानदार कहता है, आपको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, आयमा खातून मेरे बच्चों से दूर रहें, अर्तुरुल ने अपना लालचीपन जाहिर कर दिया है, अब मैं इस पर कोई रहम नहीं खाऊंगा। आयमा खातून कहती हैं, एक आदमी को सिर्फ अल्लाह पर एतमाद होता है, मैं जानती हूँ अर्तुरुल अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। जानदार कहता है, हम देखेंगे आयमा खातून। फिर जानदार खड़ा हो जाता है। आयमा खातून कहती है, जानदार साहब अपनी आंखें खोलो, कहीं ये बूढ़ा भेड़िया अपने बच्चों का शिकार ना बन जाए। जानदार मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एक शाही काफिला एक जगह रास्ते में रुका हुआ था, इसमें गवर्नर की बेटी हलीना और इसका मंगेतर भी शामिल था। हलीना कहती है, मुझे बाबा से दोबारा मिलने की बहुत खुशी हो रही है। इतने में उनके काफिले पर हमला हो जाता है, कुछ सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं। फिर चारों तरफ से बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। हलीना एक तरफ छुपकर देखने लगती है। कुछ देर बाद उसका मंगेतर मारा जाता है। ये देखकर हलीना बहुत परेशान हो जाती है और वहां से भागने लगती है। इतने में पेत्रोस इस पर पीछे से तीर चला देता है जो हेलेना के कंधे पर लगता है। वो एक बार गिरती है लेकिन फिर भागने लगती है। पेत्रोस अपने आदमियों को कहता है, पकड़ो इसको, जिसके बाद बहुत सारे आदमी इसके पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल और इसके साथी कारजेसर के किले के पास पहुंच जाते हैं और कुछ देर खड़े होकर देखने के बाद वो रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो किले के मरकजी दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खुलता है और वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। घोड़े से उतरकर अर्तुरुल एक सिपाही को कहता है कि गवर्नर को जाकर बताओ कि काई कबीले से अर्तुरुल साहब उनसे मिलने आए हैं। सिपाही कहता है, यहाँ इंतजार करें। फिर सिपाही अंदर चला जाता है। तुर्गुत कहता है, इंशाल्लाह एक दिन हम इस किले को भी फतह करेंगे भाई। अर्तुरुल कहता है, इंशाल्लाह तुर्गुत। अंदर जाकर सिपाही बताता है कि काई कबीले से अर्तुरुल साहब आए हैं। गवर्नर और वसीलियस एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। गवर्नर कहता है, भेजो उसको। फिर गवर्नर वसीलियस को कहता है, वो सीधा हमारे में चलकर आ गया है, अगर ऐसा ही रहा तो हम जल्द तुर्कों से छुटकारा हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ उराल वापस अपने कबीले में पहुंच जाता है और कहता है, मैंने अपने सारे सिक्के वसूल कर लिए हैं बाबा। जानदार कहता है, तुमने दोबारा मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है बेटा, अगर मैंने पहले तुम्हारी बात सुनी होती तो आज हनली बाजार हमारा होता। उराल कहता है, आप यकीन रखे बाबा, इसके लिए अभी काफी वक्त है। फिर चौलपान जानदार को भी खुशखबरी देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर जानदार खुशी से खड़ा हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इतने में एक सिपाही कहता है, अमीर सादतीन आए हैं। जानदार कहता है, इन्हें फौरन अंदर लाओ। फिर सादतीन अंदर दाखिल होता है। वो दोनों पुरजोशी से एक दूसरे को मिलते हैं। फिर सादतीन कहता है, कई सालों के बाद दोबारा साथ मिल गया है। जानदार कहता है, आपने हमारे कबीले को शर्फ बख्शा है अमीर हजरत। सादतीन कहता है, सुल्तान ने मुझे इन जमीनों पर अमन कायम करने का हुक्म दिया है, मैं कुछ दिन आपका मेहमान बनूंगा। जानदार कहता है, आपको खुश आमदीद है अमीर हजरत। सादतीन बैठ जाता है और कहता है, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मैं अमन खराब करने वालों को सबक ना सिखा दूँ। उराल हंसते हुए कहता है, फिर तो हमें अर्तुरुल का शुक्रगुजार होना चाहिए। और यहाँ इस एपिसोड का अख्तिताम हो जाता है।